सब्सक्राइब कीजिए लर्न बेसिक्स को और बेल आइकन को दबाइए कुछ नया सीखने के लिए। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि अगर विंडोज 10 में डिक्टेशन टूलबार ठीक से काम नहीं कर रहा है तो इस एरर को हम कैसे सॉल्व करते हैं। कभी कभी क्या होता है, जब हम डिक्टेशन टूलबार ओपन करते हैं तो इस टाइप की एरर आती है, टू यूज डिक्टेशन गो टू द सेटिंग एंड टर्न ऑन ऑनलाइन स्पीच रिकॉग्निशन। मतलब ये बोलता है कि सेटिंग में जाकर के जो ऑनलाइन स्पीच रिकॉग्निशन है उसको टर्न ऑन यानी कि ऑन करिए। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं आज के इस वीडियो में जानेंगे। विंडोज 10 पर बेसिक से लेकर एडवांस तक के वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां से जाकर के आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, फिलहाल इसको यहां से क्रॉस कर देते हैं। उसके बाद हमें इस एरर को सॉल्व करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में देखिए स्टार्ट मेनू आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये रहा स्टार्ट मेनू। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, हमको जाना है सेटिंग में, ये रहा सेटिंग, सेटिंग पे क्लिक कर दीजिए तो सेटिंग का पेज ओपन हो जाएगा। यहां पर हमको क्लिक करना है प्राइवेसी पे, देखिए ये प्राइवेसी दिख रहा है आपको, तो प्राइवेसी पे जब हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप के ऑप्शंस आपको दिखाई पड़ेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमको मिलता है स्पीच, ये रहा स्पीच, स्पीच पे क्लिक कर दीजिए और यहां से इसको ये ऑफ होगा, इसको ऑन कर दीजिए। ठीक है, इसको हमने यहां से देखिए ऑन कर दिया, बस इतना ही करना है। उसके बाद इसको यहां से हम क्रॉस कर रहे हैं। अब जब हम ये डिक्टेशन टूल बार ओपन करेंगे तो देखिएगा वो वर्क करेगा। ठीक है, फिलहाल कोई सोर्स ओपन कर लेते हैं क्योंकि उसको वर्क करने के लिए कोई सोर्स चाहिए, तो हम ये एमएस वर्ड ओपन कर लेते हैं। अब विंडो के साथ जब हम एच प्रेस करेंगे तो ये देखिए ये ओपन हो गया और यहाँ पर देखिए ये लिसनिंग दिखा रहा है। ठीक है, तो अब ये वर्क करने की पोजीशन में आ गए, यानी कि हमारी एरर जो है वो सॉल्व हो गई। ठीक है।